हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, आप सभी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम कुलदीप मेहरा है जी। किस पद से नवाजेगा? मैं एसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष बालासमंद। कैसा माहौल लग रहा है आपको बालासमंद के अंदर? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, बीजेपी एक तरफा जीतेगी। आदमपुर की बात करें तो आदमपुर में आप भी संपर्क अभियान चलाया होगा, तो कैसा देखने को मिल रहा है, कैसा रुझान है भव्य बिश्नोई के लिए? भव्य बिश्नोई बहुत उमदा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि एक युवा जोश है उनके अंदर, कार्य करने की बहुत अच्छी कार्य क्षमता उनके अंदर, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, टच है, युवा जोश है। और आज के टाइम पे हमारी हरियाणा की या देश की राजनीति में युवा जोश का आना बहुत इस हल्के के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ज़्यादा से ज़्यादा अब वो जितने वोटों से जीतेगी, अब हम मार्जिन देख रहे हैं हमारा कितना मार्जिन रहेगा, कोशिश ये हो रही है पूरी भाजपा जजपा पार्टी की और कुलदीप बिश्नोई के जो पहले के कार्यकर्ता हैं, 1 लाख पार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस हल्के का विकास जो 24-25 सालों से कम हुआ है लेकिन कम हुआ है, वो बेहतर मात्रा में उमदा तरीके से रफ्तार तेज हो जाए। तो बात करें जिस जजपा का उम्मीदवार बताया आपने, जजपा पार्टी का कोई नेता दिखाई तो नहीं दे रहा? ऐसा है, सभी जो जजपा है भारत, क्योंकि भव्य बिश्नोई भाजपा और जजपा के सांझे उम्मीदवार हैं, वो दीपावली के बाद में, जो क्योंकि नामांकन के समय में चौधरी निशान सिंह जी जजपा पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, बीच में और भी आए थे, सभी साथी आए हुए हैं, लेकिन दीपावली के बाद में सभी डोर टू डोर सभी जो जजपा पार्टी के लीडर हैं उनकी ड्यूटियां लग जाएंगी, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटों को, जो जनता है, जो जोश है, उनको वोटों में कन्वर्ट किया जाए। अब मेन मुद्दा है वोटों को कन्वर्ट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम विजय हों। सभी मंत्री, कभी सभी संतरी सीएम हैं, और दूसरी जजपा पार्टी के बता रहे हो आप, सभी इकट्ठे हो जाएंगे आदमपुर हल्के के अंदर, तो कितना फर्क पड़ सकता दिवाली के बाद? ऐसा है, जब क्योंकि पहले बीजेपी के वोटर प्लस जजपा के वोटर और हमारे पहले आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी, पहले क्योंकि विपक्ष में थे वो साथी, अब जब तीन लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ये मान के चलो आंकड़ा जो जीत का है बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंचने वाला है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ थे बालासमंद से एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।